शिवराज मंत्रिमंडल के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह खुराई से चुनाव जीत गए हैं, जनता ने उनके रिपोर्ट कार्ड पर पास की सील लगा दी है। वहीं कांग्रेस की रक्षा सिंह राजपूत को हार का सामना करना पड़ा है। भूपेंद्र सिंह अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय हैं और शिवराज सिंह के बेहद करीबी हैं। शिवराज सिंह बीच में चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन जाए, लेकिन उस समय वो सब नहीं हो पाया और भूपेंद्र सिंह मंत्री बने रहे। काफी लोकप्रिय नेता हैं, अपने इलाके में खूब काम करवाए हैं, यही वजह है कि जनता ने उन पर फिर एक बार भरोसा जताया है। सागर के रहने वाले हैं भूपेंद्र सिंह, लेकिन खुराई से चुनाव लड़ते हैं और जीतते रहे हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है और बड़े विनम्र व्यक्ति हैं। उनके मिजाज को लेकर कभी किसी को कोई शिकायत नहीं रहती, और जब ऐसा व्यक्ति नेता के रूप में सामने आता है तो जनता उसे अपना भरपूर समर्थन देती है, और ऐसा ही कुछ भूपेंद्र सिंह के साथ भी हुआ है। बुंदेलखंड बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, वहां से कई बड़े नाम आते हैं राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। एक ऐसा मुद्दा है जिसने बुंदेलखंड को कहीं पीछे धकेल करके रखा है। रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। ऐसे में जब इतने बड़े बड़े नेता वहां से जीत कर आ रहे हैं, तो ऐसे में जनता भी उम्मीद करती है कि पलायन के मुद्दे को किसी तरह से हल किया जाए, वहां पर उद्योग लाए जाए, नए नए रोजगार निर्माण किए जाए, ताकि पलायन को रोका जा सके, जो कि बड़ा ही जटिल मुद्दा बनते जा रहा है और जनता इससे काफी परेशान है। बुंदेलखंड गरीबी से भी जूझ रहा है। तो भूपेंद्र सिंह जीते हैं, बड़े नेता, कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री के करीबी है, तो जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि पलायन के मुद्दे को किसी तरह से हल किया जाए। यकीनन यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब अगर बुंदेलखंड की बात करें तो वहां से गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, ललिता यादव हैं, कई सारे लोग बड़े जीत के आ रहे हैं। ये सब पूर्व में मंत्री रहे हैं और भविष्य में भी मंत्री हो सकते हैं, तो इनके कंधों पर, इनके ऊपर जवाबदारी थोड़ी सी ज्यादा है कि ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ऐसे काम करें कि वहां से पलायन और गरीबी, बुंदेलखंड बहुत गरीब और पिछड़ा इलाका है, वहां से पिछड़ापन, गरीबी और तमाम सारी कुरीतियां हैं, उन सबको दूर करें, तो वाकई बुंदेलखंड जिस शान और शौकत में किसी जमाने में रहा करता था वैसा ही हो सकता है। उसमें नेताओं को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, कई सारे शुभ लाभ छोड़ने पड़ेंगे अपने इलाके के विकास के लिए। कैसे अलग अलग इलाके से शत्रप जीत के आ रहे हैं और अपने क्षेत्र को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, इस सब पर भी हम चर्चा के तौर जारी रखेंगे। आप देखते रहें दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।